हेलो दोस्तों, प्रतिमाश्रम कल्टीवेशन में आपको स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे मिल्की मशरूम में जो बेड है, बेड में जो इनकेप आता है वो क्यों आता है, इसके बारे में थोड़ा आज विस्तार से डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, तो आप लोगों को मशरूम से जुड़ी जानकारी और इससे अलावा और जानकारी आप लोगों को मिलते रहेगा। तो शुरू करते हैं। मशरूम में जो बेड में जो इनकेप आता है क्यों आता है? जितने सारा मशरूम है सब मशरूम में बेड में इनकेप आता है, जैसे कि वेस्टर्न मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम, पेडिस्ट्रो, शिटाके, जितना सारा मशरूम है सब सब मशरूम में इनकेप आता है। तो ये क्यों आता है, कहाँ से आता है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मशरूम में जो इनके पाता है वो क्या है? ये एक कोप्रिनस है, एक फंगी है, हमारे लिए तो एक कॉन्टामिनेशन है। तो मान लीजिए हम लोग मिल्की मशरूम कर रहे हैं, जो मैंने मिल्की मशरूम पीछे किया है, मिल्की मशरूम में अचानक इनकेप निकल आया, तो हम लोग तो मशरूम में इनकेप का खेती नहीं की, कोपिनस का खेती नहीं की, तो ये ऑटोमेटिकली निकल आया। तो इसका कुछ कुछ कारण है, कुछ कुछ रीजन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रहेगा तो इनकेप निकलेगा। उसका टेम्परेचर कितना रहता है? 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 30 डिग्री का ऊपर, जो 30 डिग्री सेल्सियस है उसका ऊपर होगा तो इनकेप निकलेगा, पहला जो है। दूसरा है स्टरलाइजेशन, हम लोग जो स्टरलाइजेशन करते हैं उस माध्यम से, मैं तो ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन करता हूँ, जैसे गर्म पानी से होता है, और बहुत सारा फार्मर है जो केमिकल से स्टरलाइजेशन करता है। जो भी जैसे भी स्टरलाइजेशन करता हो, कोई भी आदमी, जो भी फार्मर, स्टरलाइजेशन अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और जो भूसा रहता है, भूसा में पानी नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए, क्योंकि भूसा में पानी रहेगा, मॉइस्चराइजर रहेगा, उसी से भी इनके निकल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टरलाइजेशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्पोनिंग करते हैं, स्पोनिंग के लिए लेके जाते हैं। स्पोनिंग करने का टाइम जो स्पोन रहता है, स्पोन क्वालिटी बेहतर होना चाहिए, नया स्पॉन होना चाहिए, क्वालिटी बेहतर होना चाहिए। तो स्पॉन का जो क्वालिटी है, उसका जो वैलिडिटी है, वो तो मिल्की मशरूम के लिए मैं कह रहा हूँ, 30 दिन तक रहता है स्पॉन का वैलिडिटी। तो 30 दिन का अंदर ही स्पॉन भूसा में लगना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा लेट होगा, स्पॉन का क्वालिटी खराब हो जाएगा, तो उससे से भी इनके निकल सकता है, मैं इसलिए हम रान नहीं होगा, उसके से भी निकल सकते हैं। उसके साथ साथ जब हम लोग स्पॉनिंग करते हैं, तो जो पैकेटिंग करते हैं, पैकेटिंग ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा टाइट होगा तो माइसिलियम रन नहीं कर पाएगा, एयरेशन अच्छे तरह से नहीं हो पाएगा, उससे क्या होगा, माइसिलियम रन नहीं होगा तो इनके निकलने का चांसेस रहता है। इस सिचुएशन में आपको अच्छी तरह से ध्यान देनी चाहिए। स्पॉनिंग का बाद हम लोग क्या करते हैं, हैंगिंग, हैंगिंग रूम में लेके जाते हैं, हैंगिंग करते हैं। तो जिस रूम में हम लोग हैंगिंग करेंगे उस रूम को अच्छी तरह से शोधन होनी चाहिए, ठीक है, केमिकल से हो, नॉर्मल हो, आपका अच्छी तरह से शुद्धन होनी चाहिए। क्लीनिंग करने के बाद उसका जो रूम का जो टेम्परेचर है, पहला जो 20-25 दिन माइसिलियम रन करने तक मिल्की मशरूम में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग रूम का जो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो हम लोग का जो बेड का जो टेम्परेचर से वो 2 से 3 डिग्री ज़्यादा रहेगा, या 30 डिग्री रहेगा तो 32 या 33 का बीच में रहेगा, तो उतना मेंटेन आपको करना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा, 35 हो गया तो क्या है, माइसिलियम रन करना बंद कर देगा, जब रन करने का टाइम बंद कर देगा तो क्या है, उस जगह, उस पर्टिकुलर एरिया पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट रहेगा, तो उसी एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया से भी मशरूम नहीं निकलेगा और वहाँ से इनकेप का जन्म हो सकता है, इनकेप निकल सकता है। गर्मी तो रह गई, गर्मी का मौसम में गर्मी तो रह गई, ये तो ऑब्वियसली,
उसमें से इनके निकलने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये जो मैंने बताया स्टरलाइजेशन, स्पॉनिंग, हैंगिंग, ये सबको आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अभी क्या होता है, यह सब करने का बावजूद भी फिर भी क्या आता है, इनके निकाल आता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने भी, मेरा जो फार्म है, मेरा जो मशरूम फार्म है, उसमें मैं अच्छी तरह से फॉलो करने का बावजूद भी निकल आता है। कहीं कहीं कोई कोई बेड में दिखा देता है कि मैं इसलिए रान नहीं हुआ, अभी कुछ जगह पे हुआ, कुछ जगह पे रान नहीं हुआ, तो इसमें भी बहुत बड़ा दिक्कत होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मशरूम किसिंग सेल करने के बाद, पैकेट खोलने के बाद, जो लोग छोटा पैकेट बनाते हैं वो लोग को तो पैकेट कटिंग करने का जरूरत नहीं, ऊपर से किसिंग सेल डालने से भी हो जाएगा। तो मेरा जो बड़ा पैकेट है 14x30, उसमें बीच में मैं कटिंग कर देता हूँ, उसमें केसिंग सोयल में डालता हूँ, उसका 5-6 दिन का बाद इनकेप निकलना आता है। मशरूम निकलने का तो 10 दिन, 8 दिन, 10 दिन का बाद निकलता है, पीनट आता है, उससे पहले इनकेप निकलता है। तो इनकेप बड़ा होने से पहले, जब छोटा रहेगा, बड़ा होने से पहले छोटा जब रहेगा, उसी टाइम आपको उसको तोड़ तोड़ लेना चाहिए। जब आप तोड़ लोगे तो बड़ा नहीं होगा, और कभी भी अब बड़ा हो गया तो जो इंक है वो मशरूम में गिरेगा, जो बेड है, जो किसिंग सोयल है, उसको खराब कर देगा, ब्लैक कर देगा, उसका साथ साथ मशरूम का जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि जो इनकेप का जो स्पोर रहता है वो हवा में रहता है, इसको ख़त्म नहीं कर सकते कितना भी कोशिश कर लो, क्योंकि हम लोग एयरसन देते हैं, हम लोग हाथ पैर धुलाई करने के बावजूद हाथ में कितना सारा कीटाणु रहता है हम लोग, तो ये सब करने के बाद वो एयरेशन जब देंगे तो हवा अंदर जाएगा, अंदर का हवा बाहर जाएगा, ये सब करने के बाद में हवा में स्पोर रहता है, वो स्पोर आता है जाता है, ठीक है। तो कैसे भी करो वो ख़त्म नहीं कर सकते, तो ये एक नॉर्मल सोल्यूशन है जो आपको फॉलो करना होगा। इस सब कुछ करने के बाद भी निकलता है तो उसको बड़ा होने से पहले तोड़ लेना, ठीक है। जैसा कि ज़्यादा ज़्यादा शाम के टाइम में आपको देखागा बड़ा हो रहा है तो उसी टाइम को तोड़ लेना, दिन में होगा तो आपको तोड़ लेना आपको। हाँ, मेरा जो बेड है वो आपको बेड को दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो बेड है, ये सब बेड आपको देखिए, ये जो बेड है बीच में रान हुआ और इधर रान नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सब जो रान नहीं हुआ तो उसी जगह पे से इनके निकलने का चांसेस रहता है, और आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, इधर ऊपर में रान हुआ, ठीक है, बीच में रान नहीं हुआ, इधर रान हुआ, इधर रान हुआ, माइसेलम इधर रान हुआ, इधर बीच में रान नहीं हुआ, तो इसी जगह पे से इनकेप निकला और इसी एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को ब्लैक कर दिया, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे मशरूम नहीं निकलेगा। इस सिस्टम को, ऐसा बहुत सारा बेड्स है तो मशरूम नहीं निकलते, और धीरे धीरे इनके ज़्यादा होता रहता है और बैक को ख़राब कर देता है और माइसिलियम को भी ख़राब कर देता है। तो इस पर्टिकुलर एरिया को आपको ध्यान रखना होगा, और ध्यान रखोगे तो मशरूम का ग्रोथ भी आएगा और मशरूम भी निकलेगा। तो आपको फॉलो करेंगे तो आप इससे बच सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।